हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम अपने एसएससी का जो एग्ज़ाम कर रहे थे, एसएससी सीएचएसएल का 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 जून को 2022 के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के आंसर की आ चुकी है, तो हमने इसके इसके एक पार्ट बना चुके हैं 13 क्वेश्चन तक। उन सभी क्वेश्चनों का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाके आपको उस वीडियो को देख लेना है ताकि आपको शुरुआत से क्वेश्चन का पता चले कि सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो 13 तक हम कर चुके थे, आज हम अपना 14 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, तो एक एक लॉजिक समझ के करेंगे कि कैसे बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपना 14 क्वेश्चन। तो बोला कि एक 640 मीटर लंबी ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। 540 मीटर 72 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से दौड़ रही है, डायरेक्शन दे रहा है कि सेम। तो इस वर्ड पर आप ध्यान देना है कि एक सेम डायरेक्शन होती है, एक अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो मान लो किसी दो रेलगाड़ियों की, एक की एक्स है और एक की वाई स्पीड है, ये स्पीड से है, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई, तो एक की एक्स है और वाई की, मतलब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर इनका जो रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे तो वो क्या आ गया आपका, एक्स माइनस वाई आएगी, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखना, सेम स्पीड में अगर एक दूसरा वर्ड होता है अपोजिट, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि एक्स इस तरफ जा रही है और वाई इस तरफ, वाई की स्पीड इस तरफ हो रही है और एक्स की स्पीड दूसरी तरफ है, तो इसका मतलब जो आपका होगा ना, तो अपोजिट में, तो इन रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड्स। तो फिलहाल हमें सेम डायरेक्शन दे रहा है कि तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो आप देखो कि स्पीड जो है उन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एक 80 दे रखा है आपको, एक 72 दे रखा, तो इसका मतलब 80 माइनस 72 करेंगे तो इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति आवर अपना क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गई दोनों की, राइट। तो अगर अब देखो क्या दे रखा है, वो मीटर में दे रखा है 640 मीटर डिस्टेंस जो है इनकी, 640 मीटर और 540 मीटर डिस्ट मीटर में दे रखा है। तो स्पीड भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दें, ओके। तो ये आपका 2 से कटेगा तो 4, ये आपका 9, तो ये मतलब 20/9 आपकी मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है 640, एक 540। तो डिस्टेंस टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें तो दोनों ट्रेनों की लेंथ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 640 प्लस 540 आपके कितना बनेगा, 1180 बनेगा। तो अब क्या निकालना, टाइम निकालना। टाइम पूछा कि एक जो फास्ट ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। तो आपको दे पता है कि टाइम निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन एस होता है। तो 1180 अपॉन 20/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा और 20 क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। 0 से 0 काट दो और 2 से आपका ये कट जाएगा, तो कितना चला जाएगा, 2 5 और 2 9 में तो 59 आ जाएगा। 59 × 9 करोगे तो आपका 531 आ जाएगा, ठीक है। 531 सेकंड है, अगर इसको मिनट में तोड़ोगे तो आप देखोगे कि 6 की मल्टीप्लाई 480 होती है, 60 की मल्टीप्लाई, सॉरी 60 की मल्टीप्लाई लास्ट में 480 होगी, ठीक है। आप 540 लगा लो तो 540 से कितने मिनट कम है, 9 मिनट कम है, ठीक है। 540 से कितनी सेकंड, सॉरी कितनी सेकंड कम है, 9 सेकंड कम है। तो इसमें आप सीधा सिंपल सा देखो, अगर जिसमें 9 सेकंड कम है तो वो सीधा आपका आंसर 51, मतलब 9 मिनट पूरे होने में 9 सेकंड की कमी थी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा लॉजिक भी आपको करके चलना है साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से रेडी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे इलेक्शन का, तो बोला कि किसी एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, विनर को 56% वोट मिलती है टोटल वैलिड वोट की, याद रखना टोटल वैलिड वोट की। तो अब मुझे नहीं पता टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे कि 5% ऑफ टोटल वोट्स, जो कि सारी की सारी वोट है उसकी 5% क्या है, इनवैलिड है। तो मान लो अगर किसी जगह 100 वोट है,
पांच की क्या होगी, इनवैलिड हो गई, और वैलिड कितनी हो गई, 95 हो गई, ये आपकी वैलिड हो गई। इनवैलिड 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वैलिड वोट का जो विनर जीतने वाला है, जो जीतने वाला वो कितने वोट ले जाएगा, 56% वोट ले जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हारने वाला वो कितने ले जाएगा, तो 56 को माइनस कर दो 100 से, 95 से नहीं 100 से, क्योंकि ये 95 अपने आप में आप 100 बन चुका है, ठीक है। तो जैसे इनवैलिड वैलिड वोट का बंटवारा, तो 95 का 56 एक तरफ हो गया, और इस दूसरी तरफ कौन सा हो गया आपका, 44% वोट इधर, हारने वाले को 44% वोट मिली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, अब देखो टोटल नंबर ऑफ, यदि उसने आप बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर हैं अपने एक जगह 3,20,000, तो मतलब इसने जो दी है वो 100 की वैल्यू दी है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी, 3,20,000, और एक यूनिट की निकालेंगे तो 2 जीरो खत्म कर देंगे, तो ये आपके 3,200 आ गए। तो हमें अब ये देखना कितने यूनिट की निकालनी है, तो कितने यूनिट की निकालनी है, तो 56 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़े तो ये 14/25 हो जाता है, इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो 11/25 हो जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 95 की 14/25 निकालेंगे, 95 की 14/25 ये आपकी टोटल वोट आ जाएंगी जो आप जीतने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो टोटल वोट आ जाएंगी, तो क्या करोगे, 3,200 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इतनी यूनिट आई ना, ठीक है, तो इतनी यूनिट आई तो 3,200 आपकी हो जाएगी, तो कट करें तो ये आपका 5 से 5, ये आपका 5 से 19, 5 से गया तो ये आपका 640, और 640 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 19 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0, 19 गुना 640, 19 चौके 76, 6 7, 19 छिके आपका होता है कितना, 19 छिके 114, 114 और 7 कितने हो गए आपके, 100, 114 और 7 कितने हो गए आपके, 121, ठीक है। ओके, अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा, 0, 14 6 84, 8, 14 1 14 और 8 आपका 22, 2, 14 2 28, 28 और 2 0, 3, 14 1 14 और 3 17, 170, 240 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था कि देखो कैसे, ये देखो 240 240 सब हैं, और आगे का जो 17 17 ये भी दोनों में है, तो बस एक की हमें चेंज करना था, तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा था, तो आप कर लेते, ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, आप देखोगे एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी, तो मतलब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 15, ये आपका 15 × 22 330 होता है, 330 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1650 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपसे ये क्वेश्चन बोला गया कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड इतना है 2021 में, एक्सपेंडिचर ऑन फूड 2021 ये है, और एक्सपेंडिचर ऑन फूड ये आपका, ठीक है, तो 20% है। नेक्स्ट एजुकेशन पे 2020 में, एजुकेशन पे 2020 में ये बोला, तो बताना है कि इसका परसेंटेज इस पे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना परसेंटेज है फूड वाला, चलो देखते हैं। अब आप देखो अगर हम करेक्ट वैल्यू लें, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो इसी पे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बोला है कि फूड का 2021 का कितना प्रतिशत है पिछले साल का एजुकेशन से, ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, तो 20 गुना 108,00
ये लास्ट के 2 डिजिट मैंने इसलिए कट किए क्योंकि ये 100 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू ये आ गई, 1 की वैल्यू 1 10 800 आ गई, और 20 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम काम आपको एजुकेशन में लगाना, 25 गुना 9600, ठीक है, ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से आपका कितना गया, 12 निम्न है और 12 8 है, ठीक है, 4 से गया और वेट, ठीक है, 4 से गया 2, 4 से गया 5, 5 से 5, तो कितना हो गया, 9/10। अगर नीचे वाला 100% है पूरा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 90, तो यह इंटू में 10 करते हैं तो ये 90% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आंसर दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलाएगा अगर ए 30 है, ए की वैल्यू 30 दे रखी है आपको, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 6 sin 30, sin 30 कितना होता है आपका, 1/2 होता है, प्लस 9 cos 30 कितना होता है, 2 होता है, माइनस cot 30 कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर आपका 2/3 आ जाएगा, ओके, 12 12 इंटू sin 30 1/2 होता है, तो 2 से आपका ये 3 गया, ओके, और 3 प्लस का ये है माइनस का ये है, तो ऊपर कितना रह गया, 18, और नीचे देखते हैं तो नीचे आपका 6 रह जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, आप देखोगे इनके सारे ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सेम मैच करें, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है, तो वो चेंजेस ही देखने हमने। तो बोला कि 38 38 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा टर्म 38 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 38 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ इवन ही आएगा लास्ट में, तो इवन आएगा तो ये तो ऑप्शन हो गया कि गलत, क्योंकि 3 है इसमें 9 है तो ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले तो हमने 2 ऑप्शन छाट दिए। अब इन 2 ऑप्शनों में आप देखो कि लास्ट के चारों डिजिट क्या है, सेम है, लास्ट के चारों डिजिट सेम है, तो सिर्फ एक ही डिजिट अलग है, तो मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी। तो 38 यहाँ पर पी की वैल्यू इसने दे रखी है 38, तो पी का स्क्वायर कितना हो गया, 38 का स्क्वायर तो 1444 होता है, प्लस 3 गुना, ये आपका 3 गुना 38 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 3 3 9 9 2 11 प्लस 3, ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 1 2 और 4 5, 8 8, 2 और 4 6 होता भाई, ठीक है, 5 1, 1561 के साथ 38 को मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, या तो इसको छोड़ देंगे या फिर टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्यों अगला अगला अगले में हमने मैच हो जाएगा, क्या है कि 15 यहाँ से एक डिजिट उठा लो, यहाँ से एक, तो ये क्या होगी, पहले डिजिट बनेगी, तो 15 गुना 3 क्या होगा, 45, मतलब जो वैल्यू आएगी वो मेरी 45 से बड़ी आएगी, 45 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है, 45 से बड़ी आएगी जो आगे आएगी। तो ये देखो आपका 45 से छोटा है 39, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत, ठीक, और इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ मतलब ये कैलकुलेशन करने का तेज तरीका होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बोला कि अगर मैं इसको पूरे को एक्स मान लू, एक मिनट, अगर मैं इस पूरे को एक्स मान लू तो क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर लगा दो, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर लगाए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कंप्लीट आपका ए है, ये कंप्लीट आपका बी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर है याद रखना, ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, तो 4 प्लस 2, अंदर आप देखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा, तो 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इंटू 1 ये वो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 6। 6 आपके किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि द सेल ऑफ ब्रांड इज मोर देन एवरेज सेल ऑफ दीज 4 ब्रांड इन एनी ईयर। ठीक है, कुछ ब्रांडों का सेल दिया हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार कहते हैं। तो विच ब्रांड हैज द मिनिमम नंबर, हमें मिनिमम नंबर निकालना 2016 से 19 तक का। ठीक है, तो ये देखना हमें कि जो 2016 से 2019 तक सबसे कम किसने ब्रांड छापे हैं, ठीक है, कितने किसने कम सेल किया है। तो B1 देखते हैं, ये आपका B1 है, तो B1 को स्टार्ट करते हैं। तो B1 में पहला 2016 से 17 आपका 5 हो जाएगा, प्लस 2017 से 2018 7 हो जाएगा, प्लस 2018 से 19 आपका 12 के लगभग है। अगर आप मैच करोगे तो देखोगे तो सीधी लाइन को मैच कर दो तो 12 के लगभग है, और ये आपका कितने के लगभग है, 14 के लगभग हो जाएगा, 14 के लगभग हो जाएगा। 5 और 7 12 12 12 24, 24 और 14 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एवरेज क्यों नहीं निकाले, अब बात सुनो, अब अगर आप एवरेज निकालो तो बात भी वही है, क्योंकि सभी का 4 4 साल का। अगर बाई चांस अलग क्वेश्चन कर दिया जाता कि उसका इतने साल का होगा तो फिर हम एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पर सभी सेम दे रखे होते हैं एवरेज नहीं निकालना चाहिए। B2 की सेकेंड लाइन है, तो ये आपका पहला 4 है, यहाँ पर आपका लगभग 10 है, ठीक है, लगभग 10 है, एक मिनट चेक कर ले, हाँ 10 है, ठीक है, यहाँ पर आपका लगभग, यहाँ पर आपका लगभग 11 है, 11 है, और यहाँ पर आपका 16 है, तो कितना हो गया, 4 और 10 14, 14 और 16 आपका 30, 30 और 11 41 हो गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, B3, ये थर्ड लाइन, सभी की थर्ड लाइन, तो ये आपका 10 हो गया, सॉरी ये आपका 9 था तो ये आपका 40 हो गया। ठीक है, ये आपका 40 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया, B3 में 10 हो गया, प्लस इसमें आपका 11 हो जाएगा, 11 प्लस थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ये फिर 10 हो जाएगी, प्लस ये बस आपको थोड़ा अनुमान लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है, तो ये 40 और 3 43 हो जाएगा। B4 का लास्ट वाला देखते हैं, तो पहले वाला 8 हो जाएगा, मतलब जो आखिरी लाइन है सभी की वो काउंट करनी है, 8 10 प्लस ये फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 हो जाएगा, प्लस लास्ट वाला 15 हो जाएगा, तो 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 और 5 आपका 22, 22 और सॉरी 33, 33 और 10 आपका 43 हो गया। अब इसने पूछ लिया मिनिमम नंबर, मिनिमम किसने लिए हैं, 38 ने लिया है, और 38 किसका है, B1 का है, तो B1 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो कंपनी के बारे में पूछा है, तो विच ब्रांड, ब्रांड के बारे में पूछा, तो ब्रांड B1 आपकी सबसे कम सेल कर पा रही, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, तो अगर दूसरा ऑप्शन भी होता तो मैं उस तरह से भी आपको जरूर बताता हूँ। पूछा कि डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन, मीन क्या होता है कि कोई भी दो जो भी नंबर है जितने भी हैं उन सभी का सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ देखो ये दो अलग अलग नंबर दिए गए हैं, तो इनका क्या अलग अलग मीन दिए गए, तो मीन इसका मतलब इसका मीन अलग होगा, इसका मीन अलग होगा, तो इसका मीन कितना होगा, 9 9 16 25 25 बटे 2 हो जाएगा, और इसका 4 और 9 13 13 बटे 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आपका क्या होगा, 12 बटे 2 हो जाएगा, और कट करोगे तो 6 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये है पॉपुलेशन ऑफ विलेज कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है 10% पर ईयर से, लेकिन आज के टाइम पॉपुलेशन इतनी है और 2 साल पहले कितनी थी ये बताना है।
अब आप देखो, तो 10% इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वो पिछले 2 सालों से इंक्रीज करती आ रही है, समझ गए? पिछले 2 सालों से क्या करती आ रही है, इंक्रीज करती आ रही है, और जब इंक्रीज हो गई, जब ये आपकी वैल्यू आई है, इतना समझ गए? तो मान लो पिछले 2 साल में चल रहा हूँ, लास्ट सेकंड इयर्स, लास्ट का दूसरे साल में मैंने क्या कहा कि 10 मेरी पॉपुलेशन थी, अगले साल कितनी इंक्रीज होगी, 11 इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ गए? अब मतलब एक एक साल के लूंगा, अब लास्ट साल, लास्ट ईयर मेरी कितनी थी, 10 थी, और कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है, 10 थी, 11 होगी, तो इन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ताकि इन दोनों का जनसंख्या आ जाए, तो 11 × 11 आपका 121 होता है, और 10 × 10 100 होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पॉपुलेशन आज के टाइम इतनी आ गई, और मेरा अकॉर्डिंग 121 यूनिट हुई है, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1 मिनट में इधर लिख लेता हूँ, 121 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54,450 दे रखी है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें, तो पहले 11 के निकाल लो, दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 चौके 11 निम्में 11 पंजे 450, 50 आपका 11 की यूनिट हो जाएगी, और 1 की यूनिट आपकी हो जाएगी 4 × 4 और 5 450 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 450 लोग आ गए 1 यूनिट में, ठीक है? तो इसने पूछा है कि 100 यूनिट में कितने आएंगे, तो 100 यूनिट में क्या करेंगे, 450 को मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 45,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसने बोला कि एक बस कवर कर रही है किसी डिस्टेंस को, ट्रेवलिंग है, एक मतलब जाने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले रही है, और आने के लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे ले रही है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो आप एक स्पीड से एक तरफ जा रहे हो, ठीक है, और दूसरी साइड आप वाई स्पीड से आ रहे हो, तो इसका मतलब जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2xy/(x+y), ठीक है, 2 × 40 × 60, और नीचे 60 और 40 का प्लस कर दो तो 100 बना देगा, तो 1 0 से 1 0 ये कट गई, तो 2 चौक 8, 8 6 48 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, बहुत नहीं मतलब 2-3 साल पहले आते थे, जो भी एग्जाम होते थे तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन 2-3 साल से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं डाले, अब फिर डाल दिया। तो बोला कि कॉपर और ब्रॉन्ज को रेशियो में बांटा गया, 350 तीन यानी 350 ग्राम के एलॉय को कॉपर, उसमें अलॉय क्या होता है, मिश्रण होता है, कॉपर और ब्रॉन्ज का मिश्रण बनाया गया, उसमें 3:4 में क्या कर दिया कि कॉपर और ब्रॉन्ज को डाल दिया गया 3:4 में, ठीक है, तो 3:4 में डाल दिया गया। अब बोला कि क्वांटिटी जो है कॉपर की वो ऐड की गई है, ताकि रेशियो जो बन जाए वो 4:3 बन जाए। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तब देखो इसने क्या बोला कि कॉपर को डाला गया ना, कॉपर को डाला है, तो इसका मतलब ब्रॉन्ज जो होगा वो मेरा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ब्रॉन्ज जो होगा बिल्कुल सेम होगा, तो ब्रॉन्ज सेम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो भी सेम कर दे, तो अच्छा ये देखो ये और नीचे 3 है तो ये 4 है, 4 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने तो इसके साथ भी ना इंसाफी नहीं करें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नीचे काम करना है, ठीक है? ओके, तो अब जो रेशियो आएगा वो देखना आप, कि जो ये 9 आया, 3 × 3 9, 4 × 4 16, अब जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ आपको डिपेंड इस पे रहना है आगे, तो 3 × 4 12 और 3 × 4 12। अब आप एक चीज देखोगे क्या, कि ब्रॉन्ज तो हो गया इक्वल, ठीक है, सेम है, तो ब्रॉन्ज को हमने क्या किया, चेंज नहीं किया, और कॉपर क्या हो गया, चेंज हो गया, ऐड किया कुछ, कितना ऐड किया, 7 ऐड किया, तो 7 ऐड किया, तो हमें इस 7 की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब देखो
पुराने वाले रेशियो को आप भूल जाओ, 3:4 को। अब जो रेशियो है वो कौन सा है, 9:12 है, 9:12 है। तो ये टोटल कितना है, 21। ठीक है, इस 21 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 350 दे रखी। इस 21 की वैल्यू कितनी दे रखी, 350 दे रखी है, राइट। इस 21 की वैल्यू 350 दे रखी है, ओके। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350/21 हो जाएगी, ओके। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ, 350/21 गुना में 7, ठीक है। 7 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 7 से 21 गया 3, 350/3 कितना हो जाएगा, 116 से 2/3 हो जाएगी। 116 से 2/3 वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉइंटों में दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके 116 से सॉरी 6 6 भी आपके आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 25th का 1 आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 116.66 को ऊपर ऐड किया गया ताकि ये रेशियो चेंज हो जाए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल जो कि आपका एग्जाम हुआ था 6 जून को, उसकी शिफ्ट 3 का एग्जाम किया है, ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, तो अगली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड आएगी, मतलब सीएचएसएल से ही या फिर सीजीएल, कुछ भी एग्जाम उठा सकते हैं, एसएससी से रिलेटेड ही उठाएंगे। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।